শিলিগুড়ি এসে অসুস্থ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি। যদিও শিলিগুড়ি আসার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, শিলিগুড়ি দাগাপুরে অনুষ্ঠান স্থলে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি। এদিন অনুষ্ঠান শেষ হতেই অসুস্থ বোধ করায় তাকে মঞ্চের পাশে গ্রিন রুমে রাখা হয়। সেখানেই স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি সিএমও এইচ এর উপস্থিতিতে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করেন। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঘটনাস্থলে আনা হয় চিকিৎসক পিডি ভুটিয়াকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে অবতরণের পর সড়কপথে অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিষ্ট সহ সমস্ত বিজেপি নেতা ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। শিলিগুড়ি দাগাপুর ফুটবল গ্রাউন্ডে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অনুষ্ঠান ছিল। বালাসন থেকে সেবক আর্মি ক্যাম্প পর্যন্ত 4 লেনের রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতেই তার শিলিগুড়ি আসা। বালাসন থেকে সেবক আর্মি ক্যাম্প পর্যন্ত 4 লেনের রাস্তা তৈরি হলে শিলিগুড়ির মানুষ দার্জিলিং মোড়ের যানজট সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি পাবেন। দার্জিলিং সাংসদ রাজু বিষ্ট জানিয়েছেন, বালাসন থেকে সেবক আর্মি ক্যাম্প পর্যন্ত 4 লেনের রাস্তা নির্মাণের কাজ মাত্র 300 দিনের মধ্যে শেষ হবে। এখন শিলিগুড়ি ও পাহাড়ের মানুষকে আর মাত্র 10 মাস অপেক্ষা করতে হবে। সাংসদ বলেন, 17ই নভেম্বর শিলিগুড়ি এবং পাহাড়ের বাসিন্দাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন হতে চলেছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিষ্ট, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। और उसके बाद है मिस्टर नीरज झिम्बा, ऑनरेबल एमएलए दार्जिलिंग। और उसके बाद है डॉक्टर शंकर घोष, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सिलीगुड़ी। Thank you so much to all the dignitaries. I request you all. ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शिव मंदिर से कोरोनेशन ब्रिज तक 1800 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण करेंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इसका डीपीआर चल रहा है और डीपीआर मिलने के बाद ही 2023 की शुरुआत में इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। तीस्ता नदी पर नए ब्रिज का निर्माण करने की मांग ये भी हमारे दोनों सांसदों ने मेरे पास की थी। कोरोनेशन ब्रिज के बगल में तीस्ता नदी पर 1100 करोड़ की लागत से 6.4 किलोमीटर 4 लेन नए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और जिसका डीपीआर की शुरुआत की गई है। एक कोरोनेशन ब्रिज का निर्माण 1941 में किया गया था। पुराने ब्रिज का परीक्षण करने के बाद 2020 में भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। जनवरी 2023 में पुराने ब्रिज की मरम्मत का भी काम शुरू किया कराया जा रहा है और नया ब्रिज बनने से सिक्किम भूटान से आने जाने वाले वाहनों के लिए आवागमन भी सुगम हो जाएगा। कोरोनेशन ब्रिज से सालसबारी तक का निर्माण, कोरोनेशन ब्रिज से चालसा होकर सालसबारी तक शायद आप उम्मीद नहीं करोगे,
पर 5,200 करोड़ रुपए की लागत से 260 किलोमीटर फोर लेन सड़क के निर्माण का डीपीआर का कार्य शुरू हुआ है और 2023 में जनवरी मार्च तक उसके कार्य का भी शुभारंभ हम करेंगे। सालसबारी से फलाकटा ये NH-31D तक 1130 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर की फोर लेन सड़क का निर्माण का काम जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। तो जी दूसरे मेरे पार्लियामेंट के सहयोगी जयंत रॉय जी, श्री अनंतमय बर्मन जी MLA, श्रीमती शिखा चटर्जी MLA, श्री नीरज छिम्बा जी MLA, आदरणीय मेयर श्री गौतम देव जी, श्री सौरव सरकार जी, डॉक्टर शंकर घोष जी उपस्थित मंच पर, सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, बहुत दिनों के बाद सिलीगुड़ी में आपसे मिलने का अवसर मुझे मिला है। काफी दिन पहले मैं यहाँ आया था और आज मुझे खुशी हो रही है कि 12 से 6 करोड़ रुपए की लागत से शिव मंदिर से सेवाओं के तक 4 से 6 लेन के मार्ग का निर्माण किया कार्य इसका आज भूमि पूजन हो रहा है। ये कार्य दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इसमें 5.12 किलोमीटर 6 लेन सड़क है, 3.6 किलोमीटर 4 लेन सड़क है और 3.7 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड है। महानंदा ब्रिज के बगल में 210 मीटर का नया ब्रिज का भी निर्माण हो रहा है और इसी मार्ग में 2 ROB, 4 VUP, 2 LVUP, 2 बड़े पुल और 2 छोटे पुल के अलावा सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि ये बनने से आप सबका जीवन बहुत सुसह्य होगा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस मार्ग में 7 जगह ऐसी है जहाँ बार बार एक्सीडेंट होते थे, ब्लैक स्पॉट है, उसको भी सुधार किया जाएगा और सिलीगुड़ी में भी ट्रैफिक जाम के कारण आपको 2 घंटे का समय लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस रोड बनने से आप केवल 10 मिनट में ये सफर तय कर पाओगे और आपका समय बचेगा। इस मार्ग के निर्माण से दार्जिलिंग से सिक्किम, भूटान आने जाने का भी समय काफी बचने वाला है। ये टूरिस्ट स्पॉट है और अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा के सामने के तो टूरिस्ट बड़े प्रमाण पर आएंगे और टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ के नौजवान लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्दलबाड़ी में जो ROB है उसका आज लोकार्पण हो रहा है। दार्जिलिंग से उद्दलबाड़ी में NH-31 पर 102 करोड़ की लागत से 2 लेन ट्वीन ROB का निर्माण कराया गया है और इस ROB से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मैनागुड़ी में भी ROB का निर्माण पूरा हुआ है। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में 109 करोड़ की लागत से ROB निर्माण कराया गया है, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है और 15 दिसंबर 2022 से ROB ट्रैफिक को आने जाने के लिए शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।